नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ पर ये सामान्य श्रेणी का एक हाथ, इसकी सबसे पहली कनिष्ठ उंगली का मैं आपको फल बताता हूँ। ये कनिष्ठ उंगली, इसकी लंबाई लगभग लगभग सूर्य उंगली के बराबर है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है। बुद्धि की गुण अभाग से या बुद्धि को ज़्यादा चलाने की क्षमता और साथ ही साथ बुद्धि के द्वारा धन अर्जन की क्षमता इनके पास है। बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का यदि झुकाव शनि उंगली के तरफ हो जाता है तो सूर्य के गुणों में कमी आती है। आदमी के आत्मा के अंदर उतनी सफाई नहीं होती। साथ ही साथ व्यक्ति को राज्य से, सरकार से कुछ ना कुछ नुकसान होने का खतरा रहता है। शनि की उंगली क्योंकि दंड अधिकारी की उंगली है, या आपकी सीधी सीधी उंगली खड़ी है लेकिन उसमें सूर्य उंगली ने उसको टच कर दिया है, तो कुछ ना कुछ धन का नुकसान, ये अपने आप में एक इंडिकेशंस है। चलिए, अगली उंगली आपकी तर्जनी उंगली है, ज़्यादा झुकी हुई नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। इसका मतलब यह है बस इतना भर पूजा पाठ करते हैं जितनी भर आवश्यकता समझते हैं। बात कर लें आपके पर्वत की, बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर कोई भी इस तरह के इंडिकेशंस या रेखाएं नहीं खड़ी हैं जिसके कारण मैं कह सकूं कि ये बहुत बड़े गणितज्ञ की उंगली है या साथ के साथ एक ये बहुत बड़े व्यापारी की उंगली है। तो यहाँ बुध पर्वत पर ज़्यादा अच्छे इंडिकेशन ना मिलना धन की कमी का भी उद्घोषक होता है, संघर्ष बना रहता है। बात कर लेते हैं सूर्य पर्वत दबा हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना कोई ट्रायंगल है ना कुछ है, या आड़ी तिरछी रेखाएं जो एक ग्रहण बनाती हैं आपकी खड़ी उंगली के ऊपर। तो सूर्य पर्वत का यहाँ कोई भी अच्छा इंडिकेशन सहयोग यहाँ पर मुझको नहीं मिला जिससे आपको कोई राज्य से सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं शनि उंगली की। शनि उंगली और ये शनि की उंगली के नीचे ये शनि का पर्व, यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं और आगे वी का चिन्ह बन रहा है और नीचे भी कुछ रेखाएं इधर को आ रही हैं, यानी कि धन का जहाँ तक सवाल है तो धन तो आपके जीवन में आखिर तक बना रहेगा, धन का सहयोग आपको मिलता रहेगा। अच्छा ना मिले लेकिन इतना कम नहीं मिलेगा कि आपको जो है कोई नुकसान होगा। आपके बृहस्पति की उंगली पर चलते हैं। यहाँ बृहस्पति की उंगली पर देखिए, यहाँ पर एक ही रेखा है और वो भी सिर्फ धन की तरफ देखती है। तो आपका ज़्यादा मन, धन, दिमाग जो भी है सब धन के अंदर ही लगा हुआ है। तो यहाँ धन की तरफ ज़्यादा लगा होना ये अच्छा इंडिकेशंस अपने आप में नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी, यहाँ पर सीधा सीधा सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपकी, ये देखिए मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। यहाँ हृदय रेखा अपने मोटे स्वरूप में है। ये हृदय रेखा यहाँ ऊपर जाती है और इसमें से यहाँ मंगल पर्वत तक पहुँच गई, तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। मंगल पर्वत से निकल कर के जब आपकी हृदय रेखा को कोई रेखा छू जाए और एक मंगल पर्वत की रेखा इधर से भी आकर छू जाए, ये सीधी सीधी छू रही है आपकी हृदय रेखा को, छू रही है, आगे जा भी नहीं रही है, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। क्रोध में, आवेश में किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा झंझट कर सकता है। उसको कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी के साथ ही मुकदमों का सामना करना पड़ जाए। पत्नी से वैचारिक मतभेद का ये अपने आप में बहुत अपोजिट चिन्ह मुझको यहाँ पर मिला है, या फिर स्त्रियों से। तो चलिए, यहाँ स्त्रियों से संभल कर रहने के लिए मैंने आपको बोल दिया है। आगे चलता हूँ मैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। ये आपकी मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा जा कर के यहाँ एक तरह का दीप बना कर के और ये नीचे केतु स्थान में चली गई। इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, नीचे तक जाइए, केतु स्थान में चली गई। ऐसे व्यक्ति के दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसी योजना चल रही होगी जिसके कारण से उसको अपने दिमाग की उस योजना के कारण जेल का सामना कर भी करना पड़ सकता है। केतु दिमाग खराब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है।
तो बहुत बुरा इंडिकेशंस मुझको ये मिला जो मैं अच्छा फल नहीं बोल पा रहा, मुझको यह ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत देखिए, आपका शुक्र पर्वत पर कोई भी यहाँ अच्छी रेखाएं नहीं हैं, जो यहाँ पर पूरा शुक्र पर्वत एक तरह से खाली सही पड़ा है। बहुत बहुत सुख सुविधाओं में अड़चने, पत्नी के साथ ठहर ना पाना, बच्चों का सुख ना मिल पाना, सुख सुविधाओं में कमी का आना, ये ऐसे चिन्ह यहाँ शुक्र पर्वत पर मिले हुए हैं और ये अच्छे चिन्ह मैं नहीं कह सकता इनको। चलिए मैं बात कर लूँ आपकी चंद्र पर्वत की, बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत पर बस यहाँ से ये रेखाएँ आई हैं, कुछ आड़ी रेखा ने ऊपर वाली रेखाओं को भी काटा है ऐसे करके। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति अपने दिमाग से सही बहुत दूषित होता है और सही डिसीजन नहीं ले पाता है, इस कारण उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ भी ये चिन्ह आपका अच्छा चिन्ह नहीं मिला। तो पर्वतों को, उंगलियों को, सबको मैंने पढ़ा। आइए आपके सवाल पर आता हूँ। आपने पूछा अंतिम समय पर, आपने कहा अंतिम समय पर काम बिगड़ जाता है। देखिए आपके बुद्धि जो है, जब ये बुद्धि रेखा ही जा करके और यहाँ पर ऐसे घुस जाएगी और केतु स्थान को सीधा सीधा पहुँच जाएगी, आयु रेखा को भी छू रही है, तो क्या क्या करेगी? बुद्धि भ्रष्ट करेगी, आयु को भ्रष्ट करेगी और भाग्य को पीड़ित करेगी। तो यहाँ अंतिम समय पर काम बिगड़ने का कारण है कोई बहुत बड़ा अनिष्ट आपके हाथ से हो गया है, जिसका मैं बाद में आपको उपाय बताऊंगा, वो आप करिए तो शायद आपको कुछ शांति मिले। आपने पूछा स्वास्थ्य समय आने वाला, स्वास्थ्य के लिए कोई समय खराब है? हाँ यहाँ पर कुछ लगता है देखने में 76, 86, 96, 2006, 43, 43वें वर्ष में आप पूछ रहे हैं। 43 वर्ष में देखिए यहाँ पर ये एक दीप बना है ये, और साथ ही साथ यहाँ पर एक, यहाँ पर भी कुछ धुंधलापन लग रहा है, कुछ रेखा यहाँ पर गाढ़ी भी हो रही है, और एक यहाँ से ये रेखा ने इस तरह से दीप बना के काट दिया। आने वाली 45 वर्ष के आसपास में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आयु के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, आयु बहुत लंबी है, आयु तो बिल्कुल यहाँ 80-85 साल की है, आयु की कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य की दिक्कत है। आपने कहा नया मकान में कोई समस्या आएगी, यहाँ पर नए मकान में कोई समस्या नहीं आ रही है, इसकी वजह से मकान बना है, नए इस मकान की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यहाँ नया मकान तो आपके लिए बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सवाल है राजदंड। राजदंड के लिए मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि देखिए सूर्य पर्वत पर जो अच्छी रेखाएं नहीं है और साथ के साथ गिरते हुए ट्रायंगल नीचे को पड़ रहे हैं, त्रिभुज नीचे को गिर रहे हैं, सबका भी ऊपर को बनता, आपका भी नीचे को बन रहा है, ये राजदंड का योग होता है। ये जेल का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमों का चिन्ह आपके हाथ के अंदर ये चिन्ह बने हुए हैं, तो इनका सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है। जेल रेखाएं अचानक बन जाती हैं, हो सकता है कि इस जगह पर जाकर के यहाँ पर लगातार या यहाँ पर पूरे इस पर कहीं भी एक तीन खड़ी रेखाएं और तीन इस तरह आड़ी रेखाएं जब बन जाएंगी तो वो जेल का चिन्ह होता है। तीन खड़ी रेखाएं इस पर्वत पर मिल जाए ऐसे और तीन खड़ी ऐसे, ये जेल का चिन्ह होता है। ऐसी आपकी आयु रेखा पर आ जाए, आपकी शुक्र रेखा पर आ जाए, हृदय रेखा पर, या आपके शुक्र पर्वत जहाँ मैंने बनाई आ जाए, तो उस समय पर आदमी को जेल हो जाती है। तो जेल योगों के यहाँ पे बने हुए हैं, राजदंड से बचना बहुत मुश्किल सा ही लगता है। लगता है 2022 और 2024 के बीच में आपको जेल का सामना करना पड़ सकता है। तो घरवाली से या स्त्री से झगड़े के चांस भी मैंने आपको बताए हैं। आप कह रहे हैं राहु केतु का प्रभाव, राहु केतु के प्रभाव तो है ही हैं हाथ के अंदर, क्योंकि केतु बहुत खराब है वहाँ जा कर के आपकी, तो उसको है तो इसके धन अर्जन है, धन के अर्जन तो ठीक है, धन के अर्जन भी आगे भी बने रहेंगे, तो धन के अर्जन तो आपके बने रहेंगे, लेकिन लगातार जो ग्रहण बना हुआ है वो भी तो है, उसका भी तो कुछ उपाय करें। तो यहाँ मैं आपको उपाय स्वरूप कुछ लिख बताए दे रहा हूँ, आप ये कर लें।
वरना आपको जेल का, आपके धन का, धन पर ग्रहण लगने का, औरतों से सम्मान खोने का, मुकदमों का, इनका सामना करना पड़ जाएगा। केतु के मंत्र भी हो जाएगा। देखिए, आप राहु केतु के नंबर, एक तो राहु और केतु आपका बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ केतु पर जो मस्तिष्क रेखा पहुँच गई है और राहु पर भी वहाँ ये राहु रेखाएँ यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पर राहु और केतु की तो आपको पूजा करानी पड़ेगी। किसी अच्छे से पंडित को देखो, और जो आपकी पूजा कराने के बाद आपका दसवां हवन भी कराए, वो आप करा लीजिए या स्वयं कर लीजिए पूजा। दूसरी बात, हर गुरुवार को राधा कृष्ण मंदिर में जाइए और 5 लड्डू राधा कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा करके आइए, और अपने बेसन के, अगर आपके कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसकी क्षमा मांग लीजिए। तो ये हर गुरुवार को करना है आपको, और प्रतिदिन आपको बजरंग बाण पढ़ना है। बजरंग बाण बताए देता हूँ आपको, क्या रत्न पहनना है। रत्न में जहाँ तक सवाल है, आप पुखराज आपने शायद पहन रखा है, अगर नहीं पहन रखा है तो अच्छा पुखराज आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको पूजा करने के बाद आपको उपलब्ध करवा देंगे। आगे मैं समझता हूँ आपको मैंने सभी सवालों का जवाब दे दिया है, तो थोड़ा सा भाग्य रेखा को और बोल लेता हूँ। चलिए देखिए, भाग्य रेखा पर मुझे कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी है। देखिए, धन के आगमन तो आपके पास बने हुए हैं, बस आपको ज़रा इन पूजाओं का जो मैंने बताया इनका ज़रा रखिए ध्यान, तो जो है ये आपकी अड़चनें सब दूर हो जाएंगी। ठीक है सर? ठीक है, मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। नमस्कार।